नमस्कार, मैं हूं अशोक वर्मा। आप देख रहे हैं TV20 न्यूज। आइए आपको दिखाते हैं देश और प्रदेश की तमाम खबरें। निजामाबाद कस्बे में पुण्यतिथि पर साहित्य प्रेमियों ने कवि सम्राट अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाणा की प्रतिमा पर माल्यार्पण किया और हिंदी के विकास में उनके योगदान को याद किया। अपने संबोधन में भाजपा नेता संतोष कुमार गौड़ ने कहा कि हरियाणा ने हिंदी भाषा के विकास में बहुत काम किया है। हरियाणा जी का मानना था कि स्वतंत्रता अपनी भाषा और वाणी के अभाव में पराश्रमित बन जाएगी। इस सोच का नेतृत्व अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियाणा, आचार्य चंद्रबली पांडे, सेठ गोविंद दास, पुरुषोत्तम दास टंडन आदि और स्वयं महात्मा गांधी कर रहे थे। इसके अलावा हरियाणा जी राजनीतिक आंदोलन से हटकर हिंदी के अंदर जनग्राह्यता का वह रूप देना चाहते थे जिससे हिंदी स्वयं ही सर्वजन सर्वदेश स्वीकार हो जाए। भारतीय पत्रकार संघ के जिलाध्यक्ष वीरेंद्र नाथ मिश्र ने कहा कि भाषा के संवर्धन और शब्द समृद्धि की दृष्टि से हरियाणा जी कृति रसकलश का महत्व है। भाषा के विकास की दृष्टि से रसकलश अन्यतम ग्रंथ है। हिंदी साहित्य को विश्व में समृद्ध करने वाले सुप्रसिद्ध कवियों में हरियाणा जी का नाम लिया जाता है। इस अवसर पर गगन कश्यप, राकेश पाठक सहित तमाम लोग उपस्थित थे। कार्यक्रम के संयोजक डॉक्टर शाहनवाज खान ने सभी के प्रति आभार प्रकट किया। पंडित हरियोध सिंह उपाध्याय, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरियोध की पुण्य तिथि है। 15 अप्रैल 1865 को इसी निजामाबाद की पवित्र भूमि पर आपका जन्म हुआ था और आज 16 मार्च 1947 को आपका देहावसान हुआ था। आपने हिंदी काव्य में आपका अतुलनीय योगदान है। आपने हिंदी काव्य को विश्व की भाषा के रूप में समृद्ध किया और आपके तमाम वैदेही वनवास, चौखे चौकदे, चुपते चौकदे, प्रिय प्रवास आदि ऐसी अनेक रचनाएं हैं जिनका आपने रचना किया है और इसी निजामाबाद कस्बे हम लोग भाग्यशाली हैं इसी कस्बे के निवासी होकर के आपने विश्व में इस कस्बे का भी नाम रोशन किया। जी सर, धन्यवाद।